अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास के अंदर हम लोग ASP.NET को डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी किस तरह से करवाते हैं वो देखेंगे, और उस कनेक्टिविटी के बाद कुछ क्रूड ऑपरेशंस परफॉर्म करवा लेंगे, मतलब इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट वगैरह के काम जो हैं वो भी जो है वो परफॉर्म करवा कर देखेंगे। ठीक है, डेटाबेस कनेक्टिविटी की जहाँ तक बात है तो आप ASP.NET की वेब एप्लीकेशन को किसी भी डेटा सोर्स के साथ कनेक्ट करवा सकते हैं। अब वो MySQL हो या फिर Oracle हो या फिर वो माइक्रोसॉफ्ट SQL हो या फिर वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो, किसी के साथ भी आप कनेक्टिविटी करवा सकते हैं। इस वीडियो के पर्पस से हम लोग जो है वो डेटाबेस कनेक्ट करवाएंगे वो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट SQL का होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास प्रोजेक्ट बना हुआ है ऑलरेडी एक, इसी प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो हम लोग कुछ काम करेंगे। राइट क्लिक, ऐड वेब फॉर्म, और इसका नाम रख देते हैं वेब फॉर्म 2 ही। ठीक है, और साथ साथ हम लोग पीछे यहाँ डेटाबेस भी कुछ क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट डेटाबेस एग्जाम्पल DB एग्जीक्यूट। ये मेरा SQL सर्वर खुला हुआ है और इस SQL सर्वर के ज़रिए मैं जो है वो इसके अंदर डेटा इस डेटाबेस के अंदर डलवाऊंगा। यूज एग्जाम्पल DB, और उसके बाद क्रिएट डेटाबेस, सॉरी क्रिएट टेबल कस्टमर, और उसके बाद यहाँ पे आ रहेगा कस्टमर _ID इंटीजर नॉट नल आइडेंटिटी और प्राइमरी की। ठीक है, और उसके बाद कस्टमर _name वारचार 50 नॉट नल, और उसके बाद कस्टमर _age टाइनी इंटीजर नॉट नल, दैट्स इट। तो एक छोटा सा टेबल बनाया है हमने, इसको भी एग्जीक्यूट कर लें। इस डेटाबेस के अंदर ये टेबल बन चुका। अब एक और काम कर लें, यहाँ पर एक क्या दो चार काम करने पड़ेंगे आपको, स्टोर प्रोसीजर बनाने पड़ेंगे क्रूड ऑपरेशंस के लिए। सही है, सो क्रिएट प्रोसीजर ST_insert कस्टमर @name वारचार 50, देन @age टाइनी इंटीजर, और इसको जो है वो आप न्यू लाइन पे ले रहे हैं और यहाँ पर लगा लें आप एज, उसके बाद इंसर्ट इनटू टेबल का नाम है कस्टमर वैल्यूज, और वैल्यूज़ के अंदर @name और @age, दो चीज़ें आ गई। ये मेरा एक स्टोर प्रोसीजर रेडी हो गया, इसको एग्जीक्यूट कर लें। सॉरी, एग्जीक्यूटेड कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्रिएट प्रोसीजर ST_update डेटा एज अपडेट कस्टमर सेट cust_name equal to @name, अभी मैं पैरामीटर्स बनाऊंगा इसके, और cust_age equal to @age, ये भी पैरामीटर बनाऊंगा, वेयर cust_id equal to @id। आई हैव टू क्रिएट दीज थ्री पैरामीटर्स इन दिस स्टोर प्रोसीजर। @name वारचार 50 ये इनपुट देंगे हम, @age ये इनपुट पैरामीटर्स हैं, टाइनी इंटीजर एंड @id दैट इज़ माई इंटीजर। राइट, सो आई हैव क्रिएटेड दीज थ्री वेरिएबल्स, और इसके साथ ये मेरे अपडेट का ये प्रोसीजर भी रेडी हो गया। आगे चलते हैं, क्रिएट प्रोसीजर ST_delete कस्टमर एज डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर cust_id equal to id, और ये id यहाँ पे क्रिएट कर लें आप @id इंटीजर। तो जो भी id हम पास करेंगे उसके हिसाब से वो कस्टमर डिलीट हो जाना चाहिए। सो व्हाट आई हैव बेसिकली डन हियर, आई हैव डन ऑल द क्रूड ऑपरेशंस बेसिकली जो कि हमारे इस टेबल पे हो सकते हैं वो लगाए। एक चीज़ नहीं लगाई जो कि रिट्रीव का कोड है, उसको भी ज़रा देख लेते हैं। क्रिएट प्रोसीजर ST_retrieve
कस्टमर्स, सारे के सारे कस्टमर्स मंगवाना चाहता हूँ मैं एज सिलेक्ट फ्रॉम कस्टमर्स सी, एंड सी डॉट सी इज़ द एलियास, एलियास मीन्स द मॉडिफाइड नेम और द कस्टमाइज नेम, आई डी मतलब मैं कॉलम नेम बदलना चाहता हूँ, इस वजह से ये एलियास लगा रहा हूँ मैं, सी डॉट नेम एज कस्टमर, और उसके बाद लास्ट में है आपके पास सी डॉट एज, इसको नीचे कर लें एज एज, सही है। तो ये मेरे पास जो है वो कस्टमर्स आ गए, और यहाँ पर मैं एक और काम कर देता हूँ, ऑर्डर बाय कस्टमर्स सी डॉट नेम असेंडिंग, मतलब नाम के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में सारे कस्टमर्स रिट्रीव होकर आए, एग्जीक्यूट। तो मेरे पास सारी क्यूरीज जो है वो अभी तक बन गई है, आगे चलते हैं। डेटाबेस कनेक्टिविटी की बात हो रही है, तो डेटाबेस कनेक्टिविटी आप बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप अपनी web.config फाइल में जाएं, दिस इज़ एन XML फाइल, और इसके अंदर जाकर आप थोड़ा सा काम कर लें कॉन्फ़िगरेशन के सेक्शन में। क्या काम करना है आपने, यहाँ पर आपने कनेक्शन स्ट्रिंग का टैब ओपन करना है, और इस कनेक्शन स्ट्रिंग का टैब को क्लोज करने के बाद अंदर आ जाएं इसके, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि विजिबल हो ये आपको, एड नेम इक्वल टू कनेक्ट लेट से, उसके बाद कनेक्शन स्ट्रिंग इक्वल टू डेटा सोर्स, यहाँ पर आपने अपना आईपी एड्रेस देना जिस पे आपका डेटाबेस पड़ा हुआ है, या फिर आपके सिस्टम का नाम, सिस्टम का नाम हमारे पास लेट से यहाँ ले लेते हैं lab4-120, तो यहाँ आ जाएगा lab4-120, और उसके बाद इनिशियल कैटलॉग, यहाँ पर आप अपने डेटाबेस का नाम देंगे इक्वल टू एग्जाम्पल डीबी, उसके बाद यूज़र आईडी इक्वल टू एसए, एंड देन पासवर्ड इक्वल टू, और आप अपना पासवर्ड देंगे, सही है। इसको सेव कर लें, सेव करने के बाद आप लोग जो है वो इसको यूटिलाइज करोगे अपने वेब पेजेस के ऊपर किस तरीके से करना है। तो मैं फर्ज कर लें अपने एक पेज बना रहा हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक ऐड, मतलब मैंने पेज बनाया हुआ है ना, ये रहा वेब फॉर्म टू, इस वेब फॉर्म टू के लोड पे चलते हैं डायरेक्टली, कि जब यहाँ लोड होगा तो क्या काम होगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ कर रहा हूँ यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट, और उसी तरह से इसको कॉपी कर लें और पेस्ट कर दें यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, ये ADO.NET यूटिलाइज कर रहे हैं हम लोग ASP.NET के साथ। सो इंसर्ट के लिए अगर मैं काम करना चाहूँ तो फिर मैं क्या लिखूँगा, मुझे यहाँ पर एक क्लास बनानी होगी जिसमें हम सारा का सारा काम करेंगे और फिर उसको कॉल करेंगे। तो इधर आ जाएं, राइट क्लिक ऐड क्लास, CRUD के नाम से मैं एक क्लास बना रहा हूँ, और इस क्लास के अंदर थोड़ा सा हम काम करेंगे, क्या काम करेंगे, पब्लिक void insert, सही है। एक मेथड बना रहा हूँ मैं, और इसके अंदर जो है मैं काम करूँगा, और काम क्या करूँगा, इंसर्ट और अपडेट और सिलेक्ट और डिलीट सारे, इसको कॉपी कर लें यहाँ से और यहाँ कर दें पेस्ट, ओके। तो SQL कनेक्शन जो कि मैं ग्लोबली बना रहा हूँ इधर, इसमें SQL कनेक्शन कॉन इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके पास डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं होगी, ये वन टाइम बना कर रखना है आपने, और यहाँ पर आपका जो है वो कनेक्शन स्ट्रिंग आएगा। अब कनेक्शन स्ट्रिंग तो आप ऑलरेडी web.config की फाइल में डिफाइन कर चुके हैं, यहाँ वहाँ से उठा लें या तो आप यहाँ पर दोबारा से लिख लें, तो इट्स बेटर कि आप वहीं से उठा लें। तो उसको कैसे उठाएंगे, स्ट्रिंग एस इक्वल टू कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, अब वो यहाँ पर आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर रेफरेंस देना है उसका, यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, इसके बगैर आप web.config से नहीं उठा सकते। सो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग्स ऑफ डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, तो इस कोड को लिखने से आपके पास जो कनेक्शन स्ट्रिंग है कनेक्ट के नाम से जो आपने बनाया है वो उठ के आ जाएगा एस में, ठीक है। इसको थोड़ा सा बंद कर दें इधर से, ठीक है, तो वो एस में उठ के आ जाएगा। जब एस में उठ के आ जाएगा तो फिर वो मैं यहाँ पे पास करवा सकता हूँ कॉमा लगा के, सॉरी ऐसे,
ठीक है, तो जो भी कनेक्शन स्ट्रिंग होगा, डेटा सोर्स, इनिशियल कैटलॉग, यूजर आईडी, पासवर्ड वगैरह वगैरह। अच्छा यहाँ पर ये कह रहा है इसको स्टैटिक चाहिए, इसको स्टैटिक बना लें तो फिर यहाँ पे एरर नहीं आएगा, ये वन टाइम कोड है। हो गया ये काम। उसके बाद एसक्यूएल कमांड सीएमडी इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड, और यहाँ पर आपके पास इंसर्ट का प्रोसीजर आएगा जो मैंने डेटाबेस में बनाया था। ये रहा इंसर्ट कस्टमर, कॉपी इट, और यहाँ करते हैं इसको पेस्ट, कॉमा, आपके पास आएगा कनेक्शन, और कनेक्शन के बाद सी एम डी डॉट कमांड टाइप इक्वल टू कमांड टाइप डॉट टेक्स्ट। सही है, कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं। सी एम डी डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विद वैल्यू, और यहाँ पर आप अपने पैरामीटर्स जो स्टोर प्रोसीजर में बनाए हैं वो पास करवाएंगे। मेरे पास तीन है, कॉपी एंड पेस्ट, यहाँ आ जाएँ। क्या क्या पैरामीटर्स हैं, बल्कि दो हैं, नेम है और एज है, एट द रेट नेम और एट द रेट एज। मैं इस इंसर्ट के फंक्शन के अंदर एक स्ट्रिंग नेम कॉमा इंटीजर एज, दो पैरामीटर्स मैंने यहाँ लिए, इंटीजर भी नहीं ले रहा, टाइनी इंटीजर लूँगा तो फिर इंटीजर 16 हो जाएगा, ये इंटीजर 16, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा एट द रेट एज, सॉरी एट द रेट एज, दैट्स इट। और यहाँ पर इसको सेव कर लें, इसको इसको यहाँ चेक कर लें, एज जो है वो सही है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा नेम और एज, फिर कनेक्शन डॉट ओपन और कनेक्शन डॉट क्लोज, ये एडियो डॉट नेट के ज़रिए डेटा इंसर्ट करवा रहे हैं। यू कैन यूज़ लिंक एज वेल, सी द लिंक ट्यूटोरियल। आगे चलते हैं, सी एम डी डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, दिस इज़ द मेथड थ्रू विच यू कैन एग्जीक्यूट योर इंसर्ट कमांड, अपडेट कमांड एंड डिलीट कमांड। ये सेम कोड यूज होगा। एनी प्रॉब्लम इन दिस कोड, यहाँ एक्सेप्शन है, अगर कोई एरर दिखाना है तो वो आप एरर भी दिखा सकते हो, मर्जी है आपकी। फिलहाल मैं एरर्स की तरफ नहीं जा रहा, सिंपल आप यहाँ पे दो नेम और एज पास करेंगे तो ये डेटा यहाँ पे जाकर इंसर्ट हो जाएगा। क्लियर, क्लियर है भाई। तो सी एम ये इंसर्ट का कोड है, इसी तरीके से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं अपडेट का कोड बना लेता हूँ इधर ऐसे, अपडेट, और अपडेट के अंदर मुझे यहाँ पर इंटीजर आईडी भी पास करनी है, तीन पैरामीटर हो गए। तो अपडेट का जो आपका प्रोसीजर है वो ये रहा, कॉपी करें इसको और इधर आकर पेस्ट कर दें। अपडेट के अंदर नेम और एज तो थे ही, और एक और चीज़ आपको देनी है इधर, वो क्या है, आईडी, और पैरामीटर का नाम भी जो है वो आपके पास आईडी है, सेव इट एंड री चेक इट अगेन। जी आईडी है, नेम है और एज है, और इसी तरह से आप जो भी डेटा यहाँ पास करोगे तो वो डेटा फिर आपका अपडेट हो जाएगा, सेम कोड आएगा। इसी तरह से आपके पास जो है वो पेस्ट करें इसको, सॉरी इस कोड को कॉपी कर लें, अपडेट वाले को कॉपी इट पेस्ट इट, और यहाँ पर आप दे दें डिलीट, और डिलीट के अंदर आपने सिंपल आईडी पास करवानी है, आप आईडी दे दें और यहाँ पे आपके प्रोसीजर का नाम बदल जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा, डिलीट कस्टमर। तो यहाँ डिलीट कस्टमर, और ये दो पैरामीटर्स जो हैं ये हट जाएंगे, सिंपल आप आईडी पास करवाओगे एंड दैट्स इट, कोड हैज़ बीन फिनिश्ड। तो आपने इंसर्ट अपडेट डिलीट यहाँ पे ऐसे कर लिया। अब रिट्रीव है, रिट्रीव आपके पास बहुत सारे तरीकों से होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पब्लिक वॉइड, बल्कि पब्लिक वॉइड भी नहीं कर रहा, पब्लिक एक चीज़ हमें यहाँ पे कॉल करवानी पड़ेगी, क्योंकि आप एक अलग क्लास में, यूजिंग सिस्टम डॉट वेब डॉट वेब फॉर्म्स, या सिस्टम डॉट वेब डॉट, बल्कि सिस्टम डॉट वेब तो है मौजूद, वेट, सिस्टम डॉट वेब डॉट यू आई डॉट वेब कंट्रोल्स, सिस्टम डॉट वेब डॉट यू आई डॉट वेब कंट्रोल्स, ताकि आपके वो जो जितने भी कंट्रोल्स हैं वो उठ के आ जाएं। आ गए यहाँ पे पब्लिक ग्रिड व्यू, ये आ गई ग्रिड व्यू, शो कस्टमर्स, मतलब ये जो ये मेथड है ये बेसिकली इसके ज़रिए से हम जो है वो ग्रिड व्यू के अंदर डेटा लोड करवाएंगे। चलें ग्रिड व्यू ना भी रखें, वॉइड कर लें, और यहाँ पे आप ले लें ग्रिड व्यू, मतलब जब हम ये फंक्शन कॉल करेंगे तो हम अपनी ग्रिड व्यू यहाँ पास करवाएंगे और इसके अंदर डेटा शो करवा देंगे। तो ट्राई कैच, वही सारा कोड होगा, एसक्यूएल कमांड, कमांड टाइप, पैरामीटर्स, पैरामीटर्स हमारे पास है नहीं तो इसको कॉपी कर लें, यहाँ पर कर दें पेस्ट, शो कस्टमर्स जो मैंने यहाँ यूज़ किया था रिट्रीव कस्टमर्स के नाम से, कॉपी कर लें इसको और यहाँ कर लें इसको पेस्ट।
ठीक है, कमांड टाइप आ गया सीएमडी। तो कमांड टाइप के बाद पैरामीटर्स आपके पास है नहीं, कनेक्शन ओपन करवाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट यूज़ करेंगे एसक्यूएल डेटा एडॉप्टर। ये क्लास है जिसके ज़रिए से आपका सारा का सारा डेटा उठ के आ जाता है जो भी आपकी क्वेरी के अंदर होता है, और क्वेरी मेरी है सीएमडी में, तो मेरी क्वेरी जब एग्जीक्यूट होगी तो डीए में सारा का सारा डेटा उठ के आ जाएगा। अब ग्रिड व्यू जो है ना वो डीए एक्सेप्ट नहीं करती, जो आपकी डेटा ग्रिड व्यू है कंट्रोल, इसमें डीए नहीं आता। तो फिर आप एक और क्लास यूटिलाइज करते हो डेटा टेबल इक्वल टू न्यू डेटा टेबल, और अपने डीए के ज़रिए से इस डेटा टेबल को आप फिल करवाते हैं। आपका सारा का सारा डेटा आप डेटा टेबल में आ चुका है, तो ग्रिड व्यू डॉट डेटा सोर्स, जो आपकी ग्रिड व्यू आप देंगे उसका डेटा सोर्स हो जाएगा डीटी। और एक काम आपने यहाँ एक्स्ट्रा करना होता है जो कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन में नहीं करना होता है, वो है डेटा बाइंड। अगर आप ये मेथड नहीं चलाएंगे तो आपका डेटा आकर भी नहीं दिखेगा, डेटा बाइंड दिस लास्ट मेथड। तो जितने भी डेटा सोर्स कंट्रोल्स हैं डेटाबेस के अंदर, ASP.NET के अंदर डेटा बाइंड के जितने भी कंट्रोल्स हैं उन सब के साथ डेटा बाइंड लगेगा, डेटा आप अगर डेटाबेस से मंगवा रहे हो तो। ठीक है, लेट मी रिमाइंड यू अबाउट द ग्रिड व्यू कंट्रोल। ग्रिड व्यू कंट्रोल इज अ कंट्रोल विच इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इनसाइड। जिस तरह आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन में डेटा ग्रिड व्यू यूज करते हैं, ये वही ग्रिड व्यू है। ठीक है, तो हमने रिट्रीव किया कस्टमर्स को और उसके बाद यहाँ पर डेटा बाइंड करवा दिया, दैट्स इट। इतने से कोड से आपके पास सारा का सारा कोड यहाँ पे रिट्रीव हो जाएगा। अब अगले स्टेप में बस करना ये है कि आपके पास ये जो वेब पेज है इसके अंदर से आप डेटा इंसर्ट भी करवा सकते हैं, रिट्रीव भी करवा सकते हैं, अपडेट भी करवा सकते हैं। मैं भी डिजाइनिंग नहीं कर रहा, टाइम कम है हमारे पास, तो लेट मी क्रिएट द क्लास ऑब्जेक्ट दैट इज क्रूड, सी इक्वल टू न्यू क्रूड। ओके, नाउ सी डॉट, सबसे पहले क्या आ रहा है भाई, इंसर्ट। इंसर्ट में करवा रहा हूँ नेम। आप टेक्स्ट बॉक्सेस से वैल्यूज ले सकते हो, मैं अभी हार्ड कोड कर रहा हूँ डायरेक्टली, सही है ना, मैं डायरेक्टली वैल्यूज दे रहा हूँ यहाँ पे। मैंने दिया यहाँ पे 7 और उसके बाद उसकी एज दे दी मैंने लेट्स से 34। इंसर्ट हो जाएगा डेटा। उसके बाद सी डॉट, मैं कोई मैसेज वगैरह कुछ नहीं शो करवा रहा, सिंपल क्रूड्स दिखा रहा हूँ। तो जब पहला रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो ऑब्वियसली बात है उसकी आईडी 1 होगी ना फिलहाल, क्योंकि मैंने आइडेंटिटी रखी है। तो मैं 1 आईडी का नाम 7 के बजाय 7 अहमद कर लेते हैं, और उसके बाद उसकी एज जो है वो 33 कर लेते हैं। तो जब हम देखने जाएंगे एसक्यूएल के अंदर तो रिकॉर्ड हमारे पास क्या आना चाहिए, 7, ये 7 अहमद आना चाहिए। उसके बाद सी डॉट डिलीट, अगर डिलीट करवा दूं मैं 1 तो फिर कोई भी रिकॉर्ड नहीं आएगा, सही है। डिलीट करवाने के बाद मैं एक और इंसर्ट करवा देता हूँ, कॉपी इट और पेस्ट इट, तो दोबारा 7 इंसर्ट हो जाएगा लेकिन आईडी उसकी 2 होगी। अब क्या करना है, ये जो आपके पास क्रूड ऑपरेशन वाला वेब फॉर्म वाला पेज है इस पे सिंपल एक ग्रिड व्यू कंट्रोल ले लें आप, डेटा ग्रिड व्यू, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएं इस फॉर्म में और यहाँ लिख दें आप ग्रिड व्यू 1 जो कि आपकी ग्रिड व्यू है, सॉरी सी डॉट शो कस्टमर्स, और इसमें सिंपल आपने अपनी ग्रिड व्यू को देना है जो कि ग्रिड व्यू 1 है, दैट्स इट। और ये मेरा पेज वेब फॉर्म 2 है, वेब फॉर्म 2, राइट क्लिक सेट एज स्टार्ट पेज। वंस अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू गाइस, टाइम लिमिटेशन की वजह से मैंने यहाँ डिज़ाइनिंग नहीं की है, आप ये डिज़ाइनिंग करके अलग अलग पेजेस पे ट्राई कर सकते हो, बस आपने ये मेथड कॉल करने टेक्स्ट बॉक्सेस से और जहाँ से भी आप वैल्यूज ले रहे हो, दैट्स इट। अब होगा ये जब चलेगा तो इंसर्ट होगा, फिर अपडेट होगा, फिर डिलीट होगा, फिर दोबारा से 734, इन दी एंड आपके पास ग्रिड में 734 लिखा हुआ आना चाहिए, सही है। चेक करते हैं इसको, अच्छा ये लोड तो हो चुका है लेकिन डेटा लोड नहीं हुआ, लेट मी वेरीफाई फ्रॉम हियर। तो कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं है, दैट मींस कि हमारे पास कोई ना कोई कोड नहीं चला। अब कौन सा कोड नहीं चला वो तो हमें डिबग करके ही पता चलेगा कि कौन सा ऑपरेशन नहीं चल रहा, बट दिस इज़ द करेक्ट क्रूड ऑपरेशन ट्यूटोरियल। इसके ज़रिए से आपके पास इंसर्ट अपडेट सेलेक्ट डिलीट सारा कुछ हो जाएगा, क्लियर है सब लोगों को। अच्छा डिबग करके देख लेते हैं, चलें इसको फटाफट यहाँ पे रन इट।
आप अंदर आके डायरेक्टली इंसर्ट के कोड पे F11 प्रेस करेंगे तो आप अंदर आ जाएंगे। नेम में आपके पास 7 आ रहा है, एज में ये आ रही है, द कमांड इज एग्जीक्यूटिंग। देखें क्या कह रहा है, एक्सेप्शन आई है। एक्सेप्शन में क्या आया है आपके पास, ये देखें, ये कह रहा है कि एट द रेट नेम का पैरामीटर आपने सही पास नहीं किया। इंसर्ट कस्टमर में एट द रेट नेम मैंने पास किया हुआ तो है, इंसर्ट कस्टमर एट द रेट नेम, एट द रेट नेम फंक्शन और प्रोसीजर इंसर्ट कस्टमर एक्सपेक्ट पैरामीटर एट द रेट नेम विच वॉज नॉट सप्लाइड। हाउ इज इट पॉसिबल, एट द रेट नेम, एट द रेट एज, वैल्यू तो हमने पास की हुई है इसमें, सी एम डी डॉट कमांड टाइप। तो प्रॉब्लम आपके कोड में मतलब कहीं ना कहीं ऐसी आ रही है, जो कि अभी टाइम नहीं है मेरे पास, वरना मैं इसको प्रॉपरली डिबग कर लेता, लेकिन आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या काम है। वो प्रोसीजर का बस मसला है, वो पैरामीटर का जब आप रिजॉल्व करवा लोगे तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। अगर कुछ ना समझ में आए इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच।